बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कमिंग टूवर्ड्स दिस वीक्स लेक्चर, दिस इज आवर 10th लेक्चर एंड द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज साइट सिलेक्शन। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर एंड आई होप ऑल ऑफ आइदर ऑल ऑफ यू और मैक्सिमम ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस topic and the topic is site selection, like sites and specifically site selection for building. So what are the factors that are responsible, or what are the factors that we consider before selecting a site or for a building, for a specifically for a residential building? And what are the factors that we consider for a commercial building, similarly for any other type of building? So there are certain factors that are, they play an important role in the selection of the site for their particular building. And these factors needs to be considered, because they play an important role throughout the life of that building, and they affect the residents of that building. Like agar hum ek site select kar rahe hain ek residential building ke liye, to usme jo log reh rahe hain wo throughout their life time wo us in factors se affect honge. Agar wo factors humne sare consider kiye hue hain to wo jo hai hum us building ko maximum yani ki ek achhi life wahan pe guzarenge. सिमिलरली अगर आपने कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी स्कूल के लिए किसी साइट सिलेक्शन मतलब जिस तरह से चूज करनी चाहिए थी वो अगर चूज की है, तो वो जो बिल्डिंग है उसके रहने वालों पे एक अच्छा इफेक्ट होगा उस पर उसका. सो लेट अस कम टूवर्ड्स फॉर्मली टूवर्ड्स द लेक्चर एंड सॉरी दिस इज अ वर्ड फाइल एंड आई थिंक इट्स ओके. आप लोगों ने जस्ट चीज़ों को पढ़ना है या समझना है. सो साइट सिलेक्शन फॉर बिल्डिंग, अ प्रॉपर साइट सिलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बिफोर बिगनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स. कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर शुड कंसीडर की फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हेन सिलेक्टिंग अ साइट. साइट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट बेयरिंग ऑन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स. जनरली एन आर्किटेक्ट हैज ईदर टू मेक अ चॉइस ऑफ सूटेबल साइट or to plan his building structure to suit the available site. The core aim of the site selection and design process is to achieve a unique harmony between building site, building design, people who live in the building, and the surrounding neighborhood characters and residents. In sari baatein almost main bata chuka hu. Ek ye jo aakhri baat hai ki jisme wo keh rahe hai ki jo core aim hai site selection ka, वो आपने एक यूनिक हार्मनी को डेवलप करना होता है बिटवीन साइट, बिटवीन बिल्डिंग, बिटवीन बिल्डिंग डिजाइन, बिटवीन पीपल हु लिव इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग एंड द सराउंडिंग नेबरहुड कैरेक्टर्स एंड रेजिडेंट्स. यानी कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक प्रॉप एक मेन मरकज किसी मार्केट के अंदर ही तो जाके रेजिडेंशियल बिल्डिंग को के लिए वो मार्केट के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वो साइट चूज करें, बिकॉज दैट वुड नॉट बी फिजिबल के वहाँ पे ट्रैफिक होगी, वहाँ पे कमर्शियल, बाकी आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी एंड सो ऑन. सिमिलरली आपने मतलब अगर मैं इसको आप जस्ट समराइज करूँ, तो ये जो आजकल पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट का बिजनेस है जिसमें ये जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो सोसाइटीज़ जो है आप कह लेंगे हमारा जो सारा लेक्चर है वो ये जो सोसाइटीज है इसके गिर्द, ये वाला लेक्चर इस इन सोसाइटीज के गिर्द घूमेगा. तो आपने यानी कि कमर्शियल सेक्टर में जाके अपना जो है अपनी जो बिल्डिंग है या अपना घर के लिए जो आप साइट सेलेक्ट कर रहे हैं उसको चूज नहीं करना. फिर इसी तरह फिर किसी मेन हाईवे के आसपास उसमें चूज नहीं करना. तो जहाँ पर प्रॉपर रेजिडेंट्स रह रहे हों और आपके नेबरहुड जो है अच्छा हो, तो आप नॉर्मली उसी जगह को प्रेफर करते हैं. So what are the factors that needs to be considered during selection of a building site?
So natural defects of a site will involve considerable expenditure on constructing and maintenance of building, while unsatisfactory conditions in the neighborhood of locality will cause unhappy living conditions on one hand and possible deterioration of the value property on the other. तो अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी जो साइट सिलेक्शन में जो आपने फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, अगर आपने वो ठीक कंसिडर किए हैं, तो इट मीन्स के आपने आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है वो अच्छी जगह पे लगाई है, और दूसरी साइड पे अगर आपने जो फैक्टर जो है कंसिडर किए हैं या जो आपने अलग से घर बना लिया है, तो आपकी जो कंडीशंस थी या वहाँ पे जो फैक्टर्स थे जो पहले आपने कंसिडर करने चाहिए थे, वो बाद में आपको फिर रियलाइज होता है कि जो रहने रेजिडेंट्स हैं उनको रियलाइज होता है कि वो जो फैक्टर्स हैं वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं. तो उससे होगा या ये एक तो आपकी जो एक अनहैप्पी लिविंग लाइफ जो है वो मतलब आप स्पेंड करेंगे. सेकेंडली कुछ अरसे तक आपको फील होगा कि आपका जो वो जो मनी था वो दैट वॉज जस्ट वेस्टेज. तो फिर अल्टीमेटली यू विल ट्राई टू यू नो रीलोकेट टू एनी अदर लोकेशन, और आपका मतलब फाइनेंशियली आपको एक तरह से लॉस होगा. सो देयरफॉर द फॉलोइंग जनरल फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड while selecting a site for any type of building construction. So the first type is first purpose is or the first factor is purpose of building. Like building ka purpose kya hai. Let's suppose aap koi residential building hi bana rahe hain, lekin aapka purpose hai ki aap usko kahin hostel mein convert kar rahe hain ya something like that. To usme hoga ye ki uska purpose aapka different hoga. किसी कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आपने कोई फ्लैट वगैरह बना के रेंट पे देना है, उसका पर्पज डिफरेंट होगा. या ऐसी बिल्डिंग है कि जिसमें आपने खुद रहना है, उसका पर्पज ऑब्वियसली डिफरेंट होगा. सो पर्पज जो है वो वेरी करता है. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर परचेजिंग और सेलेक्टिंग अ साइट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग. The site should be selected keeping in view the general scope or the purpose of building and on the basis of extent or privacy required. तो बाकी सारी बातें मैं कर चुका हूँ. जो लास्ट में वो कह रहा है कि privacy required. अब obviously अगर हम जरा सा और specific हो जाएं कि if you want to construct a hostel and a boys hostel, so then you may not be you know considering the privacy as much. But if you are going to construct a hostel for girls, then aap this is most probably ki aap privacy ko bhi ek achhi khasi weightage denge. Similarly agar aapne residential building banani hai apne hi apne liye rakhne ke liye, to aap kya karenge ki usme privacy ko obviously टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे. तो देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज फ्रेंडली नेबरहुड. के ओब्वियसली आप कहीं किसी ऐसी जगह पर नहीं रहेंगे जहाँ पे आपको लगे कि जो हमारा नेबरहुड है वो फ्रेंडली नहीं है. तो बिकॉज बींग ह्यूमन बींग वी हैव टू बी सोशल एंड यू नो के अच्छे डाउन जाते रहते हैं. सो फ्रेंडली नेबरहुड जो है वो आपको काम आता है कि अच्छे बुरे वक्त में. एंड द साइट शुड बी सिचुएटेड इन लोकेलिटी विच इज ऑलरेडी फुली डिवेलप्ड और विच इज़ फास्ट डिवेलपिंग. यानी कि एक फ्रेंडली नेबरहुड वो तो चले मैंने एक अलग परस्पेक्टिव बताया आपको, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मतलब आपने कोई ऐसी जगह चूज करनी है, किसी वीराने में जाके आपने साइट को नहीं चूज करना, बल्कि आपने कोई ऐसी जगह चूज करनी है जो कि बहुत तेजी से डेवलप हो रही हो या कि ऑलरेडी डेवलप हो. ठीक है, टू सिक्योर हैप्पी लिविंग कंडीशंस जनरली सच नेबरहुड इज प्रेफर्ड वेयर द नेबर्स बिलोंग टू एन इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी एंड हु शुड बी सोशल एंड फ्रेंडली. ये वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने मतलब साइट को ऐसे चूज करना है जहाँ पे जो लोग हैं जो नेबर्स हैं आपके वो उनका जो इक्वल स्टेटस हो आप मतलब सोसाइटी में आपका और उनका इक्वल स्टेटस हो. यानी कि ये ना हो कि एक बहुत ज़्यादा गरीब हो और एक बहुत ज़्यादा अमीर हो. सो इन बोथ केसेस अमीर भी और गरीब दोनों जो है ना अफेक्ट होंगे.
चूंकि उनकी उनकी उनको स्टेटस उनकी क्लास मैच नहीं करेगी। एंड सिमिलरली आपकी जो नेबरहुड है वो सोशल भी हो एंड फ्रेंडली भी हो। देन कमिंग टूवर्ड्स द अवेलेबल फैसिलिटीज, ऑब्वियसली रेजिडेंशियल कमर्शियल या कोई भी बिल्डिंग हो तो उसमें जो फैसिलिटीज हैं लाइक स्कूल एक्सेस, हॉस्पिटल, देन रिक्रिएशनल, इसी तरह टेलीफोन तो आजकल हर जगह होता है। सिमिलरली अगर टेलीफोन में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए कि जहाँ पे सर्विस अच्छी हो, सिमिलरली शॉपिंग फैसिलिटीज एंड देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वहाँ का जो एक्सेस हो साइट को वो भी अच्छी है। फिर इसी तरह वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज एंड सो ऑन। सिमिलरली पुलिस स्टेशन भी आसपास हो, फायर ये जो फायर फाइटर्स हैं या फायर प्रोटेक्शन वाले हैं ये भी हों। तो अब जहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पे एक्सेस ईजी होगी, रोड में नेटवर्क अच्छा होगा, तो ये सारी फैसिलिटीज को आप कंसिडर करते हुए साइट को ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे। एंड जो मॉडर्न हमारा जो पाकिस्तान में जो आजकल ये हाउसिंग सोसाइटीज का ट्रेंड है, ये ऑलमोस्ट ये सारी की सारी फैसिलिटी, नेबरहुड का तो ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं कर सकता, बट ये जो अवेलेबल फैसिलिटीज हैं ये सोसाइटीज आपको सारी प्रोवाइड करती हैं। सो दिस सोसाइटीज आर द यू नो एन आइडियल प्लेस। इवन इनमें भी कुछ अच्छी कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ अभी डेवलप्ड हो रही हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोसाइटीज जो हैं दे आर द आइडियल वंस और आइडियल साइट्स फॉर एनी बिल्डिंग, एनी रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग। देन कमिंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट लॉज, अ साइट विच कम्स विद इन द लिमिट्स ऑफ एन एरिया वेयर बाय लॉज ऑफ द लोकल अथॉरिटी इंफोर्स रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ प्लॉट टू बी बिल्ट अप, वैकेंट स्पेसेस टू बी लेफ्ट इन फ्रंट एंड साइड्स, heights of building etc should be preferred. Like there are many societies in Pakistan, and if we try to be specific, like there are many societies in even Islamabad and Rawalpindi that are approved by the RDA or CDA, but on the other hand there are several societies which are not yet approved. So ab या कुछ आप अगर इन सोसाइटीज़ की वेबसाइट पे सॉरी इन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, सीडीए या आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे आपको कुछ सोसाइटीज़ ऐसी मिलती हैं दैट आर इलीगल। अब इलीगल वो क्यों हैं, क्योंकि वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो बेसिक लॉज हैं बाय लॉज वो उनको प्रॉपरली ओबे नहीं कर रहे होते। लाइक उन्होंने मतलब यानी कि दो घरों के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, फिर इसी तरह उनके उनके सामने कितना आपके लिए अगर एक स्ट्रीट है तो स्ट्रीट में जो मिनिमम स्ट्रीट की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, और इसी तरह यानी कि कितनी पॉपुलेशन पे आपको हॉस्पिटल या स्कूल की फैसिलिटी है, फिर इसी तरह बाकी जो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे तो जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको आप कह रहे हैं एक तरह से इलीगल कैटेगराइज करती है। तो ये चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट लॉज, जहाँ पे मतलब आप एक तरह से ये कह लें इन शॉर्ट, इसको अगर मैं मतलब उसका आपको समराइज करके बताऊं, वो ये है कि वो सोसाइटीज़ जो हाउसिंग अथॉरिटीज से अप्रूव्ड हैं तो वहाँ पे ओबियसली वो सारे लॉज जो हैं, सारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो होते हैं। तो ये चीज़ भी आपने साइट को सिलेक्ट करने से पहले ये चीज़ देखनी है। देन कमिंग टू शेप एंड साइज, शेप एंड साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं करेंगे बल्कि हम शेप एंड साइज ऑफ प्लॉट उसकी बात करेंगे। सो एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड शुड बी सच दैट द हाउस कंस्ट्रक्टेड कीपिंग इन व्यू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ओनर प्रेफरेबली दैट पॉसिबल विद possibility of future extension. The site should not be irregular in shape or having any sharp corners. Like अगर आप site select कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी कि आपको square या rectangular के plot मिले। फिर इसी तरह अब let's suppose अगर आपका कोई एक canal का plot है तो आप क्या करते हैं कि 5 से 10 मरला में अगर आप construction करते हैं तो आप remaining जो 5 से 10 मरला है तो वो आप छोड़ देते हैं कि future extension के लिए। आप उसमें अगर let's suppose अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसको वो कर सकते हैं। सिमिलरली कोई ऐसी ट्राइंगुलर शेप या कोई कॉर्नर, शार्प कॉर्नर ना हो
क्योंकि वहाँ पे वो आपकी जगह जो है बिल्कुल ज़ाया होगी। ठीक है, तो आप शेप उन साइज को भी देखते हैं। साइज तो ऑब्वियसली आपकी जो एक तरह से फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लॉट जो है अफोर्ड कर सकते हैं, बट शेप जो है वो वेरी करती है, और शेप को ऑब्वियसली हर कोई देखता है। देन टेरेन कंडीशन, ऑब्वियसली टेरेन कंडीशन में ये कि आप किसी पहाड़ी में तो जाकर जगह नहीं एक्सक्लूड करेंगे घर के लिए, आप ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू यू नो गो फॉर अ यूनिफॉर्मली फ्लैटर सरफेस। ठीक है, द साइट शुड बी सिचुएटेड ऑन अ एलिवेटेड प्लेस एंड ऑल्सो लेवल्ड विद यूनिफॉर्म स्लोप्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एज टू प्रोवाइड गुड एंड क्विक ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। अब ऑब्वियसली आपने जो साइट सेलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल ही जिसे कह रहे हैं स्मूथ या लेवल सरफेस ना हो, एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं एलिवेशन हो, ताकि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है या इसी तरह सीवरेज सिस्टम है वो है प्रॉपर रहे। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर फंक्शनल रहे और पानी जो है ये ड्रेनेज का ये मतलब पूलिंग वाली कंडीशन ना बने। ठीक है, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ ग्राउंड सॉइल। बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग अ टेक्निकल पर्सन यू शुड अवेयर ऑफ द ग्राउंड और द नेचर ऑफ द सॉइल। सो ग्राउंड सॉइल ऑफ द साइट शुड बी गुड इनफ टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल फाउंडेशंस फॉर द इंटेंडेड बिल्डिंग विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम। जनरली फॉर मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन द साइट शुड हैव रॉक सैंड और डेंस सॉइल बिलो 60 to 120 सेंटीमीटर लेयर ऑफ लाइट सॉइल और इवन ब्लैक कॉटन सॉइल। लाइक इसमें कह रहा है कि आपकी जो सॉइल है नीचे ग्राउंड वो बहुत ज़्यादा आपके लिए के सॉफ्टर ना हो या बहुत ज़्यादा वीक ना हो, जिसकी अपनी जो है ना बियरिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो, जो कि आपका 2 मंजिला या 3 मंजिला का घर जो है वो उठा ना सके। तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो है ना बेसमेंट पे ये ग्राउंड को ग्राउंड इम्प्रूवमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो और वो जनरली कह रहे हैं कि जो सेटिस्फैक्ट्री साइट्स हैं या कंस्ट्रक्शन है उसमें उसमें ये है कि 60 to 120 सेंटीमीटर जो ऊपर टॉप लेयर होती है, मतलब जो लूज मटेरियल होता है जो सॉइल का, उससे नीचे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे देर शुड बी रॉक सैंड और डेंस सॉइल, यानी कि वहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा हो। ठीक है, जो कि मतलब बगैर किसी इम्प्रूवमेंट के आपकी जो बिल्डिंग का जो इनकमिंग लोड है उसको बेयर कर सके। देन वी हैव नेचुरल लाइट लाइट और एयर। ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एंड फैक्टर वाइल कंसिडरिंग वाइल सिलेक्टिंग द साइट। द लोकेशन ऑफ द साइट शुड बी सच एज टू इंश्योर अनऑब्स्ट्रक्टेड नेचुरल लाइट एंड एयर। लाइक जैसे कहते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, धूप लगती है कि नहीं लगती। ये जो है मतलब धूप और वेंटिलेशन ये दोनों मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए भी और इसी तरह आपकी बिल्डिंग के लिए भी ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, देन वी हैव द एनवायरमेंटल कंडीशन। द साइट शुड भी अवेलेबल इन लोकेलिटी वेयर नेचुरल ब्यूटी मैन मेड इन्वायरमेंट क्रिएट हेल्दी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्टेड बाय नियरेस्ट फैक्ट्री स्किल एक्सेट्रा, सो दीज थिंग्स ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मतलब एक नेचुरली यानी कि एस्थेटिकली ब्यूटी एस्थेटिकली अच्छी जगह हो आपका आपकी जो साइट है, और इसी तरह यानी या तो नेचुरली अच्छी हो, नेचुरल ब्यूटी हो, या फिर मेन मेड जो एनवायरनमेंट है उन्होंने अच्छा और खूबसूरत करके बनाया हो, और ऐसी जगह जहाँ पे आसपास फैक्ट्रीज हों, किल्न्स हो, जहाँ पे ये भट्टियाँ जिसे कहते हैं जहाँ पे ये ब्रिक्स वगैरह बनती हैं, तो वो क्योंकि वहाँ से स्मोक और वो सारी चीज़ें निकलती हैं और बाकी केमिकल्स वेस्ट वगैरह ज़्यादा जनरेट होता है, तो वो जगह फिर ह्यूमन बीइंग के लिए या आपके लिए एक तरह से रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। सो दीज थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड। देन वी हैव लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। दीज एस्पेक्ट्स डिक्टेट अपॉन ओनरशिप राइट्स एंड द कॉस्ट शुड बी गिवन एंड द कॉस्ट
cause should be given due consideration before the purchase of plot. यानी कि आपने जो साइट सेलेक्ट की है और आपने लेट से उस प्लॉट की पेमेंट जो है वो सारी कर दी है, देन आपको उस विद इन ड्यू टाइम आपको उसकी जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो आपको मिल जाए, मतलब वो ज़मीन वो जगह की जो है ना बाय लॉज वो आप अपने नाम पे करवा लें, कन्वर्ट करवा लें और वो आपके पास राइट्स हों, ताकि बाद में फ्यूचर में आपको कोई इश्यूज ना हो या कोई आके आपको वहाँ से रिलोकेट या उठा ना सके. ठीक है. And the other factors, site should be abandoned under adverse circumstances such as unhealthy, noisy or crowded localities, immediate neighborhood or rivers carrying heavy floods, badly maintained drains, reclaimed soil or waterlogged areas, subject to submergence or settlement, and industrial vicinity having smoke or obnoxious odors. The groundwater table at the site should not be very high. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जिनका एक बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल है साइट सिलेक्शन में. लाइक जहाँ पे अनहेल्दी इन्वायरमेंट ना हो, नॉइज पोल्यूशन ना हो, इसी तरह क्राउड बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो. अब क्राउड की अगर आप फॉर एग्जांपल दी जाए, रावलपिंडी में आप अक्सर जगहों पर जाएँ लाइक ये एरिया राजा बाजार वाले, या मरी रोड से ऑनवर्ड आप मूव करें टुवर्ड्स ये फैजाबाद से ऑनवर्ड आप फदर की तरफ मूव करें, तो वो एरियाज सारे के सारे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फ्यू एरियाज लाइक सेटेलाइट टाउन या इस तरह के एरिया, बाकी बहुत ज़्यादा हैवीली क्राउडेड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे. तो इसी तरह इमीडिएट नेबरहुड, मतलब आपके दोनों घर दो घर जुड़े हुए हैं, तो वो फिर मतलब वो भी अनवांटेड सिचुएशन है. सिमिलरली अब घर के फौरन आगे मतलब कोई रिवर है या कोई ऐसी जगह है जहाँ से किसी भी टाइम फ्लड आ सकता है. सिमिलरली ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, और इसी तरह वाटर लॉग्ड एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता हो, क्योंकि फ्लडिंग वाली सिचुएशन बन जाती है बारिश जब हो, और इसी तरह कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे अचानक से सेटलमेंट हो जाती है, जगह ज़मीन बैठ जाती है नीचे, और या जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हों तो वहाँ पे स्मोक और ऑब्वियसली वो हैज़र्डस जो गैसेज हैं वो उनकी मिशन होती है. और इसी तरह कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो. ठीक है. हाई का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो, जिसमें ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा हो और बहुत हाई सकती है, यानी कि बहुत जैसे ही आप नीचे थोड़ा सा डिग करेंगे तो नीचे से पानी निकल आए, तो वो भी अनवांटेड सिचुएशन है और जो आपकी आपके लिए साइट है उसके लिए वो सेफ नहीं है. ठीक है. तो देन वी हैव द बिल्डिंग ओरिएंटेशन. लाइक आपने साइट सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, अभी तक हम फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे. नाउ द बिल्डिंग, यानी कि आपने साइट ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर लिया, बिल्डिंग साइट को सेलेक्ट कर लिया. Now what should be the orientation of building? ठीक है. तो orientation of building जो है ये एक interesting parameter है. Mostly लोगों को शायद पता हो, लेकिन majority को शायद ना पता हो. ठीक है. तो building orientation is the process of deciding which direction a building will face. यानी कि आपने building का face जो है वो किस तरफ रखना है. ठीक है. और इसी तरह आपने अगर कोई रेक्टेंगुलर टाइप बिल्डिंग है तो उसके ऑब्वियसली जो कम लेंथ वाली साइड्स हैं उनको किस तरफ रखना है, किस नॉर्थ साउथ की तरफ रखना है या ईस्ट वेस्ट की तरफ रखना है. और ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रीट अपील, एस्थेटिक्स, ड्रेनेज कंसिडरेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी कंजम्पशन. यानी कि ये फैक्टर्स तो हैं ही हैं, एस्थेटिक्स, ड्रेनेज कंसिडरेशन, लेकिन एस्थेटिक्स जो है और इसी तरह साथ में एनर्जी कंजम्पशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मतलब आपने बिल्डिंग की ओरिएंटेशन ऐसे देनी है कि गर्मी सर्दियों में वो मैक्सिमम जो है ना सनलाइट को वो फेस करे, सिमिलरली सर्दियों में गर्मियों में वो मिनिमम सनलाइट को फेस करे. एंड बिल्डिंग ओरिएंटेशन हेल्प्स डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स टेक एडवांटेज ऑफ द सन फ्री energy which
over time will reduce the overall energy consumption of a building. To properly orient a building, it is important to understand the true position of the sun and how it will affect the building. Like मैं ये जो energy की बात कर रहा है वो मैं आपको इस तरह से example दूँ कि अब अगर गर्मियों में आपकी आपने घर की orientation ऐसे रखी है कि गर्मियों में कम से कम जो है ना sunlight उस पर पड़ रही है, तो अब अगर उसके अंदर आप AC या कोई फैन वगैरह वो चलाते हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए, तो आपके AC को कम वोल्टेज या कम पावर के अंदर वो आपके घर को कूल कर देगा। ऑन द अदर हैंड कि अगर आपकी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन ऐसी जगह पे जहाँ पे वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना दिन के टाइम सनलाइट जो है वो आपके घर को फेस कर रही है या हिट कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आप चूँकि हमारे जो ये घर हैं ये कंक्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं या किसी भी स्ट्रक्चर के हों, तो वो ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा सन को फेस करे तो वो ज़्यादा गर्म होगी। तो होगा क्या कि आपके जो मतलब आपको कूलिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तो मतलब आप कह लें कि एक तरह से जो ओरिएंटेशन है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो ये देखें, ये एक चीज़ आपको जैसे बताई गई है कि बिल्डिंग ओरिएंटेशन किस तरह से रखें कि समर्स में यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको लॉन्गिट्यूडनली रखें और नॉर्थ साउथ में, जिसमें होगा ये कि समर्स में सूरज जो है वो इस तरह से आएगा और विंटर्स में जो है वो पीछे से आएगा। ठीक है, और द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी एकोमोडेटेड विद सन पाथ। द सन पाथ इज द सन्स पोजिशन ऑन द स्काई हेमिस्फीयर, इट कैन बी स्पेसिफाइड बाई टू एंगल्स। मतलब आपने जो बिल्डिंग की ओरिएंटेशन है वो सन के जो पाथ है उसके हिसाब से डिसाइड करनी है। ठीक है, तो अब इसमें दो एंगल्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं कि एक है सोलर अल्टीट्यूड एंगल। ठीक है, कि द एंगल बिटवीन सन्स रेज एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड सोलर अल्टीट्यूड, सॉरी दिस नॉट अल्टीट्यूड एटीट्यूड, दिस अल्टीट्यूड एंगल। यानी कि सन की रेज और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो है सोलर अल्टीट्यूड एंगल। ठीक है, यानी कि ये चीज कि ये सन है और ये कोई नीचे कलेक्टर यानी कि घर है या कुछ भी है कोई बिल्डिंग है, तो अब ये जो रेज इसकी आ रही हैं इस घर पे, अब रेज और ईस्ट के साथ यानी कि जो इसकी आप कह लें इसका सन रेज एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब इसके साथ जो एंगल बना रहा है ये वाला ईस्ट की तरफ, वो एल्टीट्यूड एंगल है। ठीक है, सिमिलरली सोलर एजिमथ एंगल इज द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ सन रेज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द साउदर्न डायरेक्शन। यानी कि अब सन अपनी जगह पे है, ये कलेक्टर है कोई बिल्डिंग है, अब जब इसका जब सोलर रेडिएशन या सनलाइट इसको हिट करेगी तो इसका जो साया बनेगा, ठीक है, जो इसकी प्रोजेक्शन बनेगा टुवर्ड्स साउथ, इसको हम कहते हैं ईस्ट और यानी कि साउथ के दरमियान जो एंगल बनेगा इस साये का, ठीक है, दैट इज एजिमथ एंगल। ठीक है, तो ये एंगल्स जो हैं वो सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से ये कंसिडर किए जाते हैं। सो द बिल्डिंग्स आर एक्सपोज्ड टू द फुल इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड रेडियंट हीट। Accordingly, the overall building orientation has an important bearing on energy conservation. In general, arranging the building with its main and broader opening facing the north and south gives the greatest advantage in reducing heat insulation and resulting air conditioning load. ठीक है, वही बात है जो मैं explain कर चुका हूँ कि अगर आप generally अपनी building को जो उसके broader openings हैं यानी कि लंबाई में अगर आपको नॉर्थ और साउथ वाली साइड पे इसको रखेंगे तो आपको जनरली क्या होगा कि ग्रेटेस्ट एडवांटेज मिलेगा हीट को, हीट इंसुलेशन में। ठीक है, और इसी तरह एयर कंडीशनिंग लोड भी वो कम होगा। अब एक चीज़ है पैसिव डिज़ाइन, कि पैसिव डिज़ाइन क्या होता है कि ये मतलब नई चीज़ है कि रेफर्स टू अ डिज़ाइन अप्रोच दैट यूजेस natural energy sources in place of purchased energy such as electricity or natural gases. तो passive design में क्या होता है कि आप सारे का सारा natural energy पे rely करते हैं
नेचुरल एनर्जी क्या है? सोलर सनलाइट, ठीक है। और आप इलेक्ट्रिसिटी या सॉरी आप इलेक्ट्रिसिटी या गैसेस, जो नेचुरल गैसेस हैं जिस तरह सीएनजी है, एलपीजी है, जो भी है, तो आप जो है क्या करें, उन पर रिलाई ना करें बल्कि नेचुरल एनर्जी, क्योंकि नेचुरल एनर्जी को खरीदने की तो जरूरत नहीं है ना हमें। सो डिपेंडिंग हाउ अ स्ट्रक्चर इज डिजाइन, द नेचुरल एनर्जी फ्रॉम द सन कैन बी यूज फॉर हीटिंग, कूलिंग एंड नेचुरल लाइटिंग। यानी कि इट डिपेंड्स कि आपने उसको, अपने स्ट्रक्चर को किस तरह से डिजाइन किया है। तो उस, अगर आपने अच्छा डिजाइन किया तो आप नेचुरल एनर्जी यानी कि सनलाइट को आप हीटिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, कूलिंग के लिए भी कर सकते हैं, एंड सिमिलरली आप लाइटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। पैसिव डिजाइन रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस एंड कैन ग्रेटली रिड्यूस बिल्डिंग एनर्जी कंजम्पशन। देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड इन पैसिव डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो अब वो पैसिव में वो कह रहा है कि आपने, और इसमें एक तो ये है कि आप हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं, सेकंडली आप इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है, ठीक है। और वो कह रहा है कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं टू यू नो यूज दिस पैसिव डिजाइन अप्रोच। अब एक बिल्डिंग मैसिंग जो है ये एक अप्रोच है, लेट अस डिस्कस दिस। बिल्डिंग मैसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डिजाइन प्रोसेस दैट डिसाइड द शेप एंड ओवरऑल साइज ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। कि अब ये आप वही काम करें, कौन सा, पैसिव डिजाइन को अप्रोच को यूज करें। अब पैसिव डिजाइन अप्रोच के हिसाब से फिर आप ना, आप अपनी बिल्डिंग के साइज को कम या ज्यादा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आप पैसिव डिजाइन को फॉलो करते हुए अपनी बिल्डिंग का जो है वो शेप और साइज जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, या डिसाइड करेंगे। बिल्डिंग दैट इज सक्सेसफुली मैस्ड यानी कि विद will use the general shape and size of building to maximize its free energy from the sun and the wind by minimizing energy loads. Passive heating, cooling and daylighting are important factors that are considered in massing a building during the design process. So aap isme ye consider karte hain ki aapne passive heating, passive cooling aur daylighting, yani ki daylight mein aapko matlab fully light mile andar, theek hai। इसी तरह पैसिव कूलिंग में आपकी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो, मतलब आपने बिल्डिंग की ओरिएंटेशन ऐसे रखनी है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, मतलब एयर एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से निकल जाए, एंड सेकंडली हीटिंग भी प्रॉपर हो, ठीक है। सो मतलब आप ये विंडो से अच्छी खासी जो है सोलर रेडिएशन अंदर आए, तो आपको चूँकि सनलाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, सो दिस इज हाउ यू consider the passive design approach in building. So how does the sun position affects building design? And now this is an interesting parameter. Okay, so sun jo hai, sun ki suraj ki jo position hai, wo kaise affect karti hai building ke design ko? So it plays an important role in the amount of heat gained in a building. This makes the exact orientation of a sun a fundamental concept to understanding in passive design and construction. There are several methods used to compensate for the location of sun in different months. ठीक है, क्योंकि sun जो है वो अपनी throughout the year वो अपनी जो है आप कह लें कि location को या direction को या path को वो change करता रहता है, ठीक है। तो पहला ये कि orientation of the floor plan, कि आपने फ्लोर प्लान का की ओरिएंटेशन कैसे रखनी है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली ओरिएंट अ बिल्डिंग टूवर्ड्स द सन, बट अ डिजाइनर शुड आल्सो कंसीडर डायरेक्टिंग द एंटायर फ्लोर प्लान इन अकॉर्डिंग विद द सनलाइट। यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं कि आप जो मेन जो आपका आप कह लेंगे जो फ्लोर है, सिर्फ आपने उसको सन से हिट नहीं करवाना, बल्कि आपने इंटायर फ्लोर प्लान को जो है ना, आप कोशिश, आपकी जो डिजाइन की कोशिश होती है कि जो सनलाइट है वो उसको हिट करें, और वो रूम्स जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो भी उनको आप साउदर्न पार्ट में रखें, ठीक है, बिल्डिंग के साउदर्न पार्ट में रखें, ठीक है। और ड्यू टू द एंगल ऑफ सन इन द विंटर, ऑक्यूपेंट्स विल एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सन रेज। यानी कि आप अगर वो रूम जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अगर आपको उसको साउदर्न पार्ट में रखें
तो सर्दियों में उन रूम्स में बहुत ज्यादा धूप होगी और वो रहने वाले जो है ना वो जो सर्दियों में सूरज की जो गर्मी है उसको एंजॉय करेंगे, और सिमिलरली सॉरी सर्दियों में एंजॉय करेंगे और गर्मियों के महीनों में उनको रिलीफ मिलेगी सनलाइट से, ठीक है। और सिमिलरली वो रूम्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, या जितना स्टोर रूम या इस तरह के कोई रूम्स हो गए जो कभी कभी आप यूज करते हैं, तो वो उनको आप नॉर्दर्न साइड पे रखें, तो वो जो वो नॉर्दर्न साइड पे रखेंगे तो चूंकि वो आपको आप कभी कभी उनको यूज करते हैं तो वो गर्मियों में ऑब्वियसली गर्म होंगे तो आपका वहां पर जाना नहीं होगा, और जिस तरह सर्दी में वो ठंडे होंगे तो तब भी आपका वहां पे इतना जाना नहीं होगा। सो दिस इज अ थंब रूल आपके लिए कि जो रूम ज्यादा यूज होते हैं आप उसको साउदर्न पार्ट पे, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले को पार्ट पे रखेंगे, इसी तरह तो कम यूज होते हैं उसको नॉर्थ वाले पे। हार्श एलिवेशन, अच्छा ये यहाँ पे ना आपके लिए एग्जेजरेट हुई हुई है ये, कि हार्श एलिवेशन पे ये मतलब है कि पहाड़ी इलाके। अब होता क्या है कि पहाड़ी इलाकों में मतलब थोड़ी सी भी आप अगर लोकेशन चेंज कर दें घर की, तो आपका जो घर है वो बुरी मतलब एक ये एक बड़े लेवल पे जाके वो इफेक्ट होता है। तो पहाड़ी इलाकों में जो है ना इस चीज को मतलब साइट सिलेक्शन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो बहुत कम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि आप जस्ट माइनर सा चेंज करते हुए भी आपके जो है ना वेंटिलेशन, इसी तरह सनलाइट और ये सारी चीजें जो है ना इफेक्ट होंगी। तो इन दीज एरियाज सिग्निफिकेंट क्लाइमेट डिफरेंसेस कैन बी सीन इन स्मॉल एरियाज, यानी कि छोटे से एरिया में ना क्लाइमेट डिफरेंस आ जाता है। इफ अ बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट ऑन अ स्लोप, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन साउथ फेसिंग स्लोप टू अवॉइड द एक्सट्रीम शेडिंग क्रिएटेड बाय द पीक ऑफ अ माउंटेन। कि अगर कोई बिल्डिंग आप जो है ना एक आप कह लें कि आप बना रहे हैं किसी माउंटेन वाली माउंटेन पे, ठीक है, तो उसको साउथ की तरफ आप बना उसकी फेस उसका फेस फेस जो है वो साउथ वाली साइड रखें, ताकि आप उसको एक्सट्रीम शेडिंग जो है यानी कि अगर पीछे से पहाड़ी होगी तो उसका शेड बनेगा सनलाइट जब उस पर पड़ेगी बैक साइड से, तो अब उस शेड की वजह से क्या होगा कि आप मतलब आपके घर पे मतलब धूप नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप उसको साउथ वाले पोर्शन साइड पर रखेंगे तो आप वो बहुत आपका घर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पहाड़ी से नहीं हो, ऑब्वियसली आप उस इतने बड़े पहाड़ी को तो नहीं काट सकते, बट आप उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय चेंजिंग योर साइट सिलेक्शन, ठीक है। सो बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर हाफ वे अप अ स्लोप इज आइडियल, कि आप किसी स्ट्रक्चर को हाफ वे आप यानी कि कहीं आधे में जाके ऊपर बनाएं तो दैट इज आइडियल, ठीक है, फॉर इट इज शेल्टर्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि एक तरफ से वो जो हैवी विंड्स हैं जो तूफान आंधियां हैं तूफान वगैरह हैं उनसे भी बचा रहेगा बची रहेगी बिल्डिंग, ठीक है। और सेकेंडली आपको सनलाइट भी प्रॉपर मिलेगी, मतलब आप वो जैसे कहते हैं ना म्याना रवैया इतदाल वाला वो सीन होगा, एंड विल प्रिवेंट ड्रेनेज इशू। ऑब्वियसली ड्रेनेज इशू कहीं ऊपर आधे में जाके आपने बनाई है तो आप इतनी कि आप हायर एलिवेशन पे नीचे की तरफ ड्रेनेज का आपको इश्यू नहीं है। विंडो प्लेसमेंट, विंडो प्लेसमेंट इन पैसिव डिजाइन इट इज इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एज मेनी विंडोज एज पॉसिबल, यानी कि हम जो पैसिव डिजाइन की बात की थी कि जिसमें आप फ्री एनर्जी को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उस पैसिव डिजाइन में आप मैक्सिमम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं जितनी पॉसिबल हो, ठीक है। Assuming that the structure is properly oriented with the sun alignment, proper window placement will ensure that the correct amount of sunlight is entering the building. For building with windows on only one side of the building, natural ventilation will not reach farther than two times the floor to ceiling height into the building. अब यहाँ पे वो मजे की बात कर रहे हैं कि एक तो उसने कहा कि मैक्सिमम आप विंडोज इंस्टॉल करें जितने पॉसिबल हो, ठीक है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने मतलब जिसे हम कहते हैं ना क्रॉस वेंटिलेशन, यानी कि बिल्डिंग के आपने क्रॉस वेंटिल किसी रूम में आपने एक ही साइड पे आपने खिड़की छोड़ी है, ठीक है, विंडो छोड़ी है,
वहां पे तो ऑब्वियसली क्रॉस वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन हो। बट अगर आप वहां पे दो विंडो छोड़ दें दो डिफरेंट ओपोजिट वॉल्स पे, तो होगा क्या कि वहां पे क्रॉस वेंटिलेशन होगी। अब यहाँ पे वो मजे की बात कह रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग जहां पे एक ही साइड पे सिर्फ क्या होगी विंडो होगी, तो वहां पे जो नेचुरल वेंटिलेशन है वो एक दिन में जो ठीक है वो एक दिन में मोर देन मैक्सिमम जो है ना 2 times जो है ना फ्लोर टू सीलिंग जो है उसको हिट करेगा। यानी कि हवा जो है ये आपकी रूम के अंदर जो फ्लोर है और सीलिंग है उन दोनों के लिए जरूरी है, और ये मैक्सिमम 2 times हिट करेगा अगर आपने सिर्फ एक विंडो छोड़ी है। और लेकिन अगर आपने विंडो जो है दोनों साइड पे छोड़ी है यानी कि ऑपोजिट साइड पे छोड़ी है, तो फिर एटलीस्ट 4 to 5 times जो है ना वो जो वेंटिलेशन है वो आपकी सीलिंग हाइट को उसको जो है वो टच करेगी। ठीक है, सो दिस मींस दैट इन ऑर्डर टू अचीव द मोस्ट नेचुरल वेंटिलेशन अ बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद 2 windows ऑन ऑपोजिट साइड्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कि आपने जो अगर नेचुरल वेंटिलेशन को प्रॉपरली इंजॉय करना है तो आपने मिनिमम 2 windows प्रोवाइड करनी है ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ टू। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पे विंड वेंटिलेशन ऊपर वाला था, विंडो प्लेसमेंट यानी कि पहले हम विंडोज की बात कर रहे थे कि विंडोज को आपने मिनिमम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, और वो चीज देखी। और इसी तरह विंड वेंटिलेशन क्या है कि विंड डिजाइनिंग द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू ले इट आउट सच दैट द बिल्डिंग शॉर्टर एक्सिस अलाइन विद प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, शॉर्टर जो एक्सिस है वो विंड वहां से पास करे, यानी कि विंड का मतलब आपने ऐसे ओरिएंट करना है कि जो शॉर्टर एक्सिस है बिल्डिंग का, यानी कि रूम के अंदर अगर रेक्टेंगुलर है उसकी जो शॉर्टर डायमेंशंस हैं विंड वहां से क्रॉस करें, शॉर्टर डायमेंशंस से लॉन्गर से नहीं। अलाइनिंग इट दिस वे विल अलाउ फॉर द मोस्ट विंड वेंटिलेशन। ठीक है, क्योंकि देखें आपने शॉर्टर साइड से विंड को पास करना अलाउ किया है तो वो पास होना पॉसिबल है। अगर एक रूम है लेट सपोज 20 by 15 feet का, तो 15 feet वाली साइड्स से विंड का पास होना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 20 feet वाली साइड। ठीक है, तो वो इसी वजह से कह रहे हैं कि शॉर्टर साइड पे आप रखें ताकि विंड जो है वो आसानी से क्रॉस हो। नोटिस हाउ व्हेन द बिल्डिंग इज ओरिएंटेड सो दैट द लार्जेस्ट सरफेस फेसेस द विंड द बिल्डिंग इज रिसीविंग मोर विंड वेंटिलेशन। Orienting the building so the narrowest wall surface is facing the wind limit amount of wind ventilation. ठीक है, cross ventilation is another method used in passive design process that uses natural wind current for building only. बस वही बातें कह रहे हैं कि अगर आप shorter side पर रखेंगे तो जो cross जो है वो होगी, longer side पर रखेंगे तो क्या होगा कि वो proper ventilation नहीं होगी। And that's it. That's all for today's lecture. आई होप के ये इजी लेक्चर था, सबको समझ आ गई होगी। इवन देन अगर किसी को क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।